नेहा चौहान में भिलाई सुपेला सुवेला है कि सुपेला है? सुपेला सुपेला से हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम नेहा चौहान, मैं भिलाई सुपेला से हूं। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पति का नाम अंकुश चौहान है, गुरुदेव। मेरे पति की आयु 32 वर्ष है। मेरे पति को 27 फरवरी 2024 को उनके सीने में दर्द हुआ। हम लोग घबरा गए, उनको बीएम शाह हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां पर उनको दिखाया, डॉक्टर ने कह दिया इनको 3 अटैक एक साथ आया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। इनको 3 अटैक एक साथ आ गए और तुरंत इनको ऑपरेशन के लिए ले जाना पड़ेगा। अब भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। लगभग इनका जो ऑपरेशन होगा वो 3 से 4 लाख रुपए खर्च होंगे। आप उसकी व्यवस्था करिए। हमने कह दिया आप इलाज चालू करो, हम आते हैं, आप इलाज चालू करो। कागज पर साइन करे, इलाज प्रारंभ हुआ। हम गए, हमारे तन पर जो गहने थे और हमारे घर में जो भी सामान था, हमने हमारे परिचित के यहां पर वो दुकान पर जाकर उसको गिरवी रख दिया। 30 मिनट में हम वापिस पैसे की जुगाड़ कर हॉस्पिटल पहुंच गए। जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे कि इनका बीपी और हार्ट बीट 1% भी काम नहीं कर रही है, ये चलेगा। हमने हमारा पूरा गोल्ड जो भी सामान था वो गिरवे रखकर हम पहुंचे। 30 मिनट हमको लग गए थे और उतने में डॉक्टर ने कहा कि इनकी बीपी भी काम नहीं कर रहा, हार्ट बीट 1% भी काम नहीं कर रही है, ये शरीर जा चुका। हमारे पति अंकुश की डेथ हो गई है, वो मर चुके हैं। सारे डॉक्टर आपस में बात कर रहे पर हमसे कोई बोल नहीं रहा कि हुआ क्या। हार्ट बीट काम करना बंद कर दी है। हमने बार बार डॉक्टर से पूछा कि आप बताओ हो क्या रहा, क्या हुआ, पर बताए नहीं। हमारे कानों में भनक लगी कि हमारे पति चले गए। हमने कहा बाबा अभी रुको, कैसे जा सकते हैं। उसी हॉस्पिटल के नीचे पर शिव जी का मंदिर था, हमें दौड़ी वहां से एक बेलपत्र उठाकर लाई, शंकर को तुरंत ऊपर जलाधारी में जल पड़ा था उसी को उंडेल दिया, उसी पानी को लेकर आ गई, पति को छीटा। डॉक्टर से कहा मेरा पति इतनी जल्दी मर नहीं सकता, देखो मेरे बच्चे हैं, मेरी उम्र अभी 27 वर्ष की है, मैं 27 साल में विधवा हो जाऊंगी, ये हो नहीं सकता। मैंने सियोर वाले महाराज की कथा सुनी है, मेरा विश्वास पक्का कहता है मेरा पति नहीं मर सकता। आप एक बार फिर प्रयास करो। जल छीटने पर, बेलपत्र रखने पर डॉक्टर फिर उसको एक बार चेक करने के लिए बीपी चेक करने गए तो मालूम पड़ा कि उसकी हार्ट बीट बढ़ी और बीपी ने काम करना प्रारंभ कर लिया। उसको शरीर पर 6 बार शॉट लगाए गए जिससे उसकी सांस वापिस आए। 6 बार जब सांस के लिए उसको शॉट लगाया गया तब उसकी सांस बाहर आई और बाहर आते से ही फिर उसको वेंटिलेटर पर रखा, बेलपत्र उसके पास रख दी। फिर वो आईसीयू में आए तब उनकी फिर जांच चालू हुई तो बताया कि इसकी किडनी भी खराब हो गई। होश तो आ गया, मरा हुआ जिंदा तो हो गया पर किडनी भी चली गई। जब उसकी किडनी भी डैमेज हो गई तब डॉक्टर ने कहा आप इनको दूसरे हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। फिर हम उनको MMI हॉस्पिटल रायपुर में लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी नसें ब्लॉकेज है, किडनी काम नहीं कर रही है, हो सकता है कि आपको इनको फिर कहीं और ले जाना पड़े। 15 दिन डॉक्टर से कहा कि आप इनका इलाज करिए, मेरा विश्वास कहता है मेरा महादेव वापिस लेकर आया है,
तो इनको ऑपरेशन भी नहीं होने देगा और किडनी भी चालू होगी। तुरंत हमारे रिश्तेदारों को सीहोर भेजा, रुद्राक्ष मंगवाया, जल तांबे के कलश में गलाकर देना चालू करा, होठों पर दो दो बूंद जल उसके लगा देते। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमने फिर वापिस जांच फिर प्रारंभ हुई उसी MMI हॉस्पिटल में रायपुर के, और ऐसी कृपा हुई डॉक्टर ने कह दिया अब इनकी किडनी भी काम करने लगी और इनकी कोई ब्लॉकेज नहीं है, शरीर ठीक हो चुका है, इनको ले जा सकते। ये शिव तत्व है। मेरा नाम नेहा चौहान, मैं भिलाई सुपेला से हूं। शिव तत्व कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकते। शिव तत्व की प्राप्ति, एक विश्वास, हम कैसे हार जाए,